ये देख लो आप लोग, नहीं बैठ पाएगा तुम्हारे पीछे। ये गाइस थार का। सो गाइस नमस्कार, जय हिंद, आपका स्वागत है प्रतीक वर्धन व्लॉग्स में। आ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो मैं उठ गया हूं भी, एंड साथ साथ उठते ही मम्मी ने क्या दिया, मम्मी ने दिया नींबू पानी पीने के लिए। मम्मी को बोला कि मम्मी चाय दिया करो यार सुबह सुबह। मम्मी नहीं, सुबह सुबह तो नींबू पानी, उसके बाद चाय। तो चलिए गाइस पीते हैं, एंड मैं मम्मी से ही मिलवाता हूं आपको, एंड थोड़े टाइम में हम लोग मिलते हैं। ये माता श्री ब्रश कर रही है। गुड मॉर्निंग मम्मी, चाय भी लेते आई है। ये एक सरप्राइज था छोटा सा, बोली थी चाय नहीं देंगे, फिर भी चाय लेते आई मेरे लिए। क्यों, क्या बोलना चाहोगे आप इस पे? हाँ क्या बोलना चाहोगे आप? ठंडा में चाय पीना चाहिए। ओके okay. तो गाइज मैं नहा लिया हुआ, एंड ठंड बहुत है, 10 डिग्री या 9 डिग्री का राउंड, एंड मम्मी भी नहा रही है, एंड कह चलिए नाश्ता करते हैं, बाहर निकलते हैं। बिहानी को कहीं तो जाना है, वो बुलाया है, तो चलिए उससे मिलते हैं, एंड देखते फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टे ट्यून गाइस, मिलते हैं। तो गाइस ये वाला व्यू आपको पटना में मिल सकता है, ये देख लो। अभी कार वॉश करवाने आए थे, एंड ये देखो सिंह साहब का है, यहीं पे मैं वॉश करवाता हूँ कार को, बट अभी मैन पावर कम है आज ठंड की वजह से, तो फिर वापस जा रहे घर की ओर। तो गाइस अभी निशान का वेट कर रहा हूँ मैं, एंड अभी जा रहे हैं महिंद्रा के शोरूम, क्योंकि थार बुकिंग करने का प्लान बन चुका है आज का। तो अभी बुक तो नहीं होगा, खरमास चालू है, तो अभी देख के आते हैं, थोड़ा टेस्ट ड्राइव लेते हैं, एंड फिर डिसाइड करते हैं, 14 के बाद बुक कर लेंगे फॉर श्योर। तो फिर चलिए गाइस शोरूम पे, आप लोग से डायरेक्ट मिलते हैं। तो गाइस महिंद्रा पहुंच गए, एंड देखते हैं थार, टेस्ट ड्राइव वगैरह लेते हैं। गाइस देखो एक्सयूवी कितना सुंदर दिख रहा है मेरा। एन भी अच्छा दिख रहा है, थार थोड़ा अच्छा दिखता है, 700 भी अच्छा दिख रहा है। बैठ के देखो ना, नहीं इसको निकालना पड़ेगा, तो वो सब हटाना ही पड़ेगा भाई, तभी निकले रहे। तो गाइस अभी टेस्ट ड्राइव लेंगे थार का, ये देख लो आप लोग। भाई देखो चलाना है पापा को रेगुलर बेसिस पे, हमको मतलब आया तो क्या वही बोल रहे हैं, तुम्हारे पैर के लायक गाड़ी नहीं है। तो गाइज ये देखो थार है, एंड ये 4x4 है मैनुअल वर्जन, एंड ये देखो गाइज कितना रॉडी लुक दे रहा था, आप आगे से देख सकते हो ऑलरेडी। एंड गाइज डिसीजन तो हो गया कि लेना है तो थार ही लेना है। अभी पीछे हनी या निशान कुछ बात कर रहे हैं, एंड गुड लुक है। एंड गाइज मम्मी से भी बात हुआ फ़ोन पे, तो मम्मी बोली कि पहले देख लो बैक सीट पे कितना जगह है, लगेज वगैरह, क्योंकि हमारा लॉन्ग टूर भी होता रहता है। तो वही देखो गाइज पीछे तो लगता है 3 लोग हो जाएंगे, क्योंकि टेस्ट ड्राइव के टाइम भी 3 लोग बैठ गए थे, बट मम्मी को दिक्कत होगा तो मम्मी को आगे ही बैठना। गाइस महिंद्रा के शोरूम से निकल गए हम लोग, एंड थार पसंद आया क्या निशान, कैसा लगा तुमको थार? सही था मेरा, बट अभी खरमास चल रहा है इसीलिए बुक नहीं किए, तो 14 या 15 के बाद बुक कर लेंगे थार को। एक बार मम्मी से भी डिस्कशन करना कंपलसरी है, तो बात करके बुक ऑलमोस्ट समझो हो जाएगा, थार आ जाएगा घर पर। ठीक है भाई, ठीक है नहीं चलते भाई, बाय बाय। नहीं भी हम नहीं जाएंगे, ठीक है निशान। ओके मैम, मजा में गाड़ी देखने गए थे आज, महिंद्रा। अच्छा थार बैठने का क्या है वहाँ? बैठने का है कि हो जाएगा 4 आदमी, मतलब आगे पीछे, थोड़ा लगेज स्पेस नहीं है उसमें, लगेज का दिक्कत होगा। अच्छा मतलब एकदम नहीं, कितना मतलब फिर भी, मतलब ऐसा होगा जो पीछे बैठेगा ना सिर्फ वही लगेज रख सकता है, या आदमी हटा के लगेज रख सकती हो सीट मोड़ के, बट बाकी ओवरऑल बल्कि लुक है, गाड़ी बहुत तगड़ा है। ठीक है पापा से बात करते हैं। तो गाइज मम्मी को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है थार को लेके, मम्मी को लग रहा है कि बिल्कुल भी स्पेस नहीं है थार में, तो एक काम करते हैं मम्मी परसों या तरसों चलते हैं, तुम भी देख लेना बैठ के। ये गाइज करते हैं, मम्मी को भी ले जाते हैं, क्योंकि मम्मी मतलब सबका फैमिली का पूरा रिव्यू चाहिए अच्छे से,
तो मम्मी को भी ले जाते हैं, मम्मी बैठ कर देख लेगी, खुद देख लेगी, तो फिर मम्मी डिसाइड कर लेगी क्या है क्या। अब जाओ मैं बाहर थोड़ी देर के लिए, जाओ बाय। तो गाइज़ हम लोग पहुंच गए पंचमुखी मंदिर, एंड यहाँ का बुनिया दही बहुत ही फेमस है गाइज़, तो आप लोग भी अगर वहाँ से होगे तो ट्राई तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं हो तो गाइज़ जाके ट्राई करो यार, अमेजिंग दही बुनिया मिलता है यहाँ पे। एंड गाइज़ देखो यही बुनिया है, एंड इसमें दही मिलाते हैं एंड कुछ मिक्सर टाइप का रहता है उसको मिलाते हैं, एंड गाइज़ खाने में काफ़ी टेस्टी लगता ही है। तो गाइज मेरा बुनिया का प्लेट रेडी है, एंड गाइज चलो खाते हैं एंड फिर बताता हूँ आप लोग को। एंड गाइज मैंने इसको भी एक प्लेट दही बुनिया खिलाया एंड ये खाता है, एंड इसको बहुत टेस्टी लगता है। एक साल क्या निशान, कितना ठंडा लग रहा है भाई, क्या बताया भैया कितना लग रहा है। अनिकेत ठंड है कि नहीं, ये तो आप अपने बॉडी से पूछिए कि आपका फ़ोन तक वाइब्रेट कर रहा है ठंड से, लेकिन फिर भी स्नैप बन रहा है। बहुत ठंड है आज यहाँ पे, एंड अभी चाय बन रहा है अपना, ये देख लो आप लोग 10 बार। तो गाइस चाय आ गया, चलिए चाय पीते हैं फटाक से एंड ठंड को दूर करते हैं। तो गाइस इतना ठंड है कि मुझे गाड़ी में आना पड़ा, एंड ये देखो सामने निखिल का गाड़ी लगा है, देखो वहाँ पे बैठे हुए सब, तो मैं तो आ गया गाड़ी में यार, बर्दाश्त नहीं होता ठंड। छत पे देखते हैं क्या माहौल है, कितना ठंड है आज, साहिल भी वेट कर रहा है अभी। क्या साहिल कितना ठंड है? बहुत ज्यादा ठंड है गाइस, ठंड तो है नहीं, मतलब ठंड है, मतलब फॉग वगैरह कुछ नहीं है, पर ठंड काफी, हवा बहुत तेज है। थोड़ा देर घूमते हैं, झंडा हिल रहा है कहाँ, वो देखो झंडा हिल रहा है, बहुत कितनी हवा है, बहुत तेज हवा है, हवा बहुत तेज है। थोड़ा देर रहते छत पे, फिर जाते फटाक से वापस कम्बल के अंदर। क्या भाई, तो गाइस छत पे तो काफी ठंड है भयंकर वाला, एंड चलिए गुड नाइट का प्रोसेस चालू करते हैं वहां के साथ। क्या कोई नहीं, सो जाओ। तो गाइस मम्मी बहुत ठंड था, ऊपर भी गया था मैं, बहुत ज्यादा ही ठंड था। तो गाइस स्टे सेफ स्टे होम, तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया, एक मिनट, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अब बोल सकते हो मम्मी आप गुड नाइट। तो गाइस सभी को मम्मी की तरफ से, मेरी तरफ से गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो विद अ न्यू ब्लॉग, अमेजिंग ब्लॉग, बाय, गुड नाइट।